और अक्वामे मुत्तहिदा का अबानी पीटीआई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि यूएन वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और बानी पीटीआई की सूरत हाल में मजीद मस्बत तब्दीली आए। अक्वामे मुत्तहिदा का बानी पीटीआई से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की जिम्मेदारी लेने से गुरेज। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान का यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल सामने आ गया। एक सवाल पर स्टीफन ड्यूजेरिक ने कहा कि यूएन वर्किंग ग्रुप की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट एक आज़ाद पैनल की सिफारिशात है। चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत और बानी पीटीआई की सूरत हाल में मजीद मुस्बत तब्दीली आए। यूएन वर्किंग ग्रुप ने दो रोज कबल अपनी सिफारिशात में बानी पीटीआई को रिहा करने का मुतालबा किया था। सिफारिशात में कहा गया था कि बानी पीटीआई की हिरासत मनमानी और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानब अमरीकी नुमाइंदा खसूसी की जानब से वर्किंग ग्रुप के रूस में कैद अमरीकी सहाफी की रिहाई के मुतालबे का खैर मकदम किया गया है। जुल्फी बुखारी ने अमरीकी एहलकार का ट्वीट शेयर करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई और अमरीकी सहाफी की कैद की मत एक ही वक्त में आई है, मगर अमरीकी नुमाइंदे ने बानी पीटीआई के मामले को नजरअंदाज किया है।